गुड आफ्टरनून एवरीवन, वॉइस क्लियर है सबको? आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक हम लोग वापस जहां से स्टार्ट किए थे, हम लोग वापस वहीं आ गए। फर्स्टली जस्ट स्टार्ट योर वीडियो एवरीवन, स्टार्ट योर वीडियो। आप लोगों को पता है कि मेरे क्लास में हम वीडियो ऑफ करने के लिए नहीं बोलते हैं। आप लोगों को स्टार्ट करके बैठे सिक्स क्लास सिक्स ई एंड सिक्स एफ, ठीक है? दोनों क्लासेस में सिलेबस कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम लोग देख रहे हैं अभी। लेकिन हम लोग जो है जो चीज नहीं पढ़ाई हुई पहले उसको कर लेते हैं, फिर सिलेबस बाकी जो बचा हुआ उसको कवर करेंगे। आई थिंक सिक्स ई में कुछ सिलेबस बहुत ज्यादा बाकी है हिस्ट्री में, तो वो हम लोग करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेवन इन ज्योग्राफी। आई थिंक बोथ क्लासेस में चैप्टर नंबर सेवन नहीं हुआ है, ना ई में हुआ है ना एफ में हुआ है, राइट? चैप्टर सेवन नहीं हुआ ना? हाँ, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेवन। अच्छा, ई में आधा हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर सेवन, इंडिया द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट। चलो फर्स्ट टेल मी, मॉनसून वर्ड से आप लोग क्या समझते हो, क्या समझ में आता है द वर्ड मॉनसून? अपूर्वा अनम्यूट योरसेल्फ। मैम बारिश। अच्छा बारिश, हाँ। अगर लिटरली उसका सिंपल मीनिंग अगर हम लोग बोलते हैं, मॉनसून का मतलब होता है बारिश। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? मैम अभी विंटर। अच्छा आफ्टर विंटर। मैम आफ्टर विंटर अभी हुई, फिर अगर समर। अच्छा समर, समर एंड विंटर के बीच में भी एक मॉनसून, सॉरी एक सीजन है, वो कौन सा सीजन है? बीच में प्रिंस बताएगा? चलो बता दो। स्प्रिंग, वेरी गुड, दैट इज स्प्रिंग। हम लोग मेनली जो है थ्री सीजन के बारे में सब जानते हैं, थ्री सीजन, समर विंटर एंड रेनी। रेनी दैट मीन्स मॉनसून, ठीक है? लेकिन मॉनसून इन तीनों के अलावा एक शॉर्ट सीजन भी है हमारे देश में पाए जाते हैं, दैट इज ऑटम एंड स्प्रिंग। आफ्टर विंटर जो है एक शॉर्ट, मतलब वन एंड हाफ मंथ जो है वो स्प्रिंग भी आता है, ठीक है? सबसे पहले नाम से एंट्री करना है, पेरेंट्स के नेम से नहीं। हमको कैसे पता चलेगा कि कौन है? सब कोई का नाम पहले हम देखेंगे या पेरेंट्स का नेम खोजेंगे? हाँ, आप अपने नेम के साथ एंट्री करोगे। जस्ट मेंशन द सेक्शन ई एन एफ, अटेंडेंस आप लोगों का इसी बेसिस पे बनेगा। क्लास सिक्स एंड एफ वाले बच्चे कल से आप आएंगे, आप अपनी क्लास टीचर्स के क्लास में जब भी रहेंगे तो यू हैव टू मेंशन योर सेक्शन। चलो हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स की तरह बना के रखे थे आप लोगों को समझाने के लिए, वो हम दिखाते हैं। सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं इंडिया, चैप्टर का नाम ही हमारा इंडिया द लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट है। मॉनसून
अगर अगर आप लोग जैसे अपूर्वा बोली सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए मॉनसून का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, तो दैट इज द रेनी सीजन. लेकिन मॉनसून एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये जो वर्ड है ये अरबिक वर्ड से लिया गया था. कौन सा अरबिक वर्ड है? दैट इज मौसम. यहाँ पे देख रहे हो आप लिखा हुआ है MAUIFM, जिसका मतलब होता है सीजन. ठीक है, मॉनसून एक अरबिक वर्ड से लिया गया है मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन. इंडिया इज अ लैंड ऑफ मॉनसून क्लाइमेट. हमारा देश जो है एक मॉनसून क्लाइमेट वाला देश है. चलो अपूर्वा बुक है आपके पास? है या नहीं है? चलो नहीं होगा आप लोग इसको देखोगे. The land of monsoon climate. India is known as the land of monsoon climate. First sentence ही दिया हुआ है. भारत कैसा लैंड है? तो मॉनसून क्लाइमेट वाला देश. मॉनसून रेफर्स टू द रेनी सीजन. लिटरली मीनिंग पूछा जाए अगर वर्ड्स नहीं भी कुछ याद आ रहा है, अगर डिफाइन करना है व्हाट यू मीन बाय मॉनसून, तो यू हैव टू राइट द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मॉनसून. मॉनसून रेफर्स टू द रेनी सीजन. द रेन bringing monsoon winds blow from the Indian Ocean and in turn mainland of India. आप जानते हो कि हमारा देश जो है एक पेनिनसुलर कंट्री है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है. तो थ्री वाटर बॉडीज का नाम हमको जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. अच्छा यश, रेज हैंड नहीं करना, आपको यूज करना चैट बॉक्स का. आप चैट बॉक्स यूज करिए और आंसर करिए. बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन एंड अरेबियन सी. वेरी गुड. रिपीट द क्वेश्चन. यश, हम थ्री वाटर बॉडीज का नाम पूछ रहे हैं जो हमारे भारत को तीन ओर से घेरा हुआ है. वेरी गुड. सबको जानते हैं थ्री वाटर बॉडीज का नाम. बे ऑफ बंगाल इन विच डायरेक्शन? बे ऑफ बंगाल. हाँ चलो वेरी गुड. ईस्ट राइट. यहाँ पे बोल रहा है हमारा देश जो है, हमारा देश में मॉनसून विंड्स जो है वो इंडियन ओशियन के तरफ से आता है और हमारे मेन लैंड में पूरी तरीके से फैल जाता है. पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश के जो लोग होते हैं वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं मॉनसून सीजन का. क्योंकि मॉनसून से पहले कौन सा सीजन होता है? मॉनसून से पहले कौन सा सीजन होता है? हाँ मान्या, वेरी गुड. समर, विंटर. अर्पिता, विंटर मतलब पहले ही आता है विंटर, फिर रेनी आता है. उत्सव. यश वेरी गुड. समर, इतनी ज्यादा गर्मी होने के बाद हम लोग को उस हीट से राहत पहुंचाने के लिए हम लोग इंतजार करते हैं कि कब बारिश हो. तो सारे लोग, जितने भी इंडिया के जितने भी लोग हैं, वो बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि रेनी सीजन कब स्टार्ट. ताकि किस लिए? पीपल ऑफ इंडिया ईयरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ मॉनसून रेन टू गेट रिलीफ फ्रॉम द ऑब्सर्सिव हीट ऑफ द इंडियन वेदर.
चैट बॉक्स का यूज करने बोला जा रहा है तो कंटिन्यू यूज करो फिर ना. यस कुमार अनम्यूट योरसेल्फ. या मैम रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. यश सुलेखा. यस मैम. हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए. द हिमालय चेन ऑफ माउंटेन. नहीं बेटा जहाँ तक हम पढ़े हैं उसके बाद से पढ़े. मैम मेरा बीच में सुलेखा हम यहाँ पढ़. मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था तो हम पढ़े हैं इंडियन वेदर फर्स्ट फोर लाइन तक पढ़े हैं. आफ्टर फोर लाइन आपको पढ़ना है. द पीपल आर अवेयर ऑफ द नॉर्मल वाला लाइन. पीपल आर अवेयर ऑफ द नॉर्मल डेट्स ऑफ द अराइवल ऑफ द मॉनसून. द वेदर एक्सपर्ट्स. हाँ एक मिनट. हम लोग सबको को नॉर्मली पता होता है ना कि मॉनसून सीजन कब स्टार्ट होता है, बारिश का सीजन कब स्टार्ट होता है. हम लोग को मतलब लगभग सबको पता होता है या नहीं तुलिका? पता होता है तुमको? पता है कि मॉनसून सीजन कब स्टार्ट होता है? कब स्टार्ट होता है मैम? सितंबर. अच्छा सितंबर. बहुत लेट नहीं पहुंच रहे सितंबर? मैम अप्रैल. अप्रैल अप्रैल में तो समर सीजन स्टार्ट होता है. हाँ जुलाई टू मिड सितंबर. वेरी गुड अपूर्वा. अपूर्वा एकदम करके एकदम सिंसियरली आंसर करती है. बाकी सब कोई पढ़ना लिखना किसी को कुछ नहीं है. चलो ठीक है आगे पढ़ो. द वेदर एक्सपर्ट्स आल्सो फोरकास्ट द अराइवल ऑफ द मॉनसून. हाँ हम लोग सबको जानते हैं ना कि जब ज्यादा बारिश होने लगती है तो हम लोग कैलेंडर में अपने मोबाइल पे हम लोग देख लेते हैं आज का वेदर कैसा है. सनी है, रेनी है, क्लाउडी है, हमारे मोबाइल पे भी दिखाता है. देखते हैं ना सुलेखा? हाँ तो हमारे जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी फोरकास्ट करते हैं कि मॉनसून कब आने वाला है. नेक्स्ट. इफ मॉनसून अराइव्स ऑन टाइम पीपल कैन एक्सपेक्ट अ गुड क्रॉप. अगर मॉनसून टाइम पे हुआ तो लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि हमारा जो क्रॉप है जो फसल है वो अच्छी होगी. इफ द मॉनसून फेल टू अराइव और अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज लेस देन नॉर्मल द ड्राउट कंडीशन मेक द लाइफ ऑफ द पीपल मिजरेबल. अगर मॉनसून ज्यादा हो तो प्रॉब्लम, कम हो तो प्रॉब्लम, पहले आए तो प्रॉब्लम, बाद में आए तो प्रॉब्लम, मतलब कि आपका घुमा फिरा के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर ज्यादा बारिश. अभी क्या हो रहा है बीच में हमारी विंटर के टाइम पे भी बारिश हो रही थी, फसल कट के खेतों में लगी हुई है, सूखने का टाइम हो रहा है और बारिश हो जाएगी सडनली तो वो फसल क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा. तो मॉनसून अगर टाइम पे आए तो लोगों का ज्यादातर एक्सपेक्टेशन होता है कि अच्छी फसल होगी. अगर कम लेट से आए तब फसल बर्बाद होने का या फिर ड्राउट कंडीशन सूखा पड़ने का ज्यादा कंडीशन पैदा होने लगता है. ठीक है आगे. Does the monsoon influence the life of the people in India to a great extent? Mute yourself. हम लोग सब जानते हैं हमारा कंट्री जो है इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द एग्रीकल्चरल लैंड फार्मर्स कंट्री. तो हम लोग के यहाँ पे जो है कम से कम
हमारा लगभग ज्यादा 80-84% हमारी जनसंख्या जो है एग्रीकल्चरल में लगी हुई है, और यहाँ पे लोग जो है खेती से जुड़े हैं, और खेती जो है उस वो मानसून पे डिपेंडेंट है। ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पर पानी की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो लोग पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर मानसून होगी, बारिश होगी, तो वहां पे अच्छे फसल होंगे, वरना वहां पर सूखे की कंडीशन हो जाएगी। तो उसी प्रकार से बोला गया है, इसलिए मानसून जो है हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। डू यू नो द वर्ड मानसून हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड मौसिम व्हिच लिटरली मींस सीजन। आप लोगों को पहले ही स्टार्टिंग में हम बता दिए थे कि मानसून एक अरबिक वर्ड से लिया गया है, मौसिम, जिसका मतलब होता है सीजन। The Himalaya chain of mountain protects India from chilly cold wind blowing from northern polar region. Himalayan chain, हिमालय जो है एक chain है mountain का, पहाड़ों की श्रृंखला है, ठीक है। आप लोगों को पहले भी हम बताए हैं, अगर हिमालय को mountain आप सिर्फ बोल रहे हो तो वो गलत है। वो हिमालयन क्या है, एक mountain का पूरा chain है, range, very good, yes। ठीक है, हिमालयन एक रेंज है जिसपे जिसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, माउंट एवरेस्ट। लेकिन सडन एकदम मेरा आंसर क्वेश्चन खत्म होता है और आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, आर्यन भदानी भी एक्टिवली है क्लास में, नहीं तो आजकल तो एकदम वो डीएक्टिवेट हो गया है। अनश्रुता संस्कृति, अगर आपको पढ़ना है, परफॉर्मेंस बेटर करनी है ना, तो आप वीडियो ऑन करके बैठिए, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यस विशाल, स्टार्ट योर वीडियो। माउंटेन एवरेस्ट आदिति नहीं, माउंट एवरेस्ट करेक्ट। ठीक है, हिमालय के, हिमालय जो माउंटेन रेंज है हमारा, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पाई जाती है, कहाँ है विशाल, स्पेलिंग गलत है। हाँ, प्रिंस, वेरी गुड। यश अदिति, वेरी गुड। चलो ठीक है। सनले अनिल कुमार मया, हिमालयन चेन ऑफ माउंटेन प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम चिली कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न पोलर रीजन। आप लोग सब जानते हो हम जो है डिफरेंट जोन्स में हमारे पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है। थ्री हीट जोन्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी इससे प्रीवियस वाले चैप्टर्स में पढ़े हो, पढ़े हो ना, हमको बताओ तो कौन से थ्री हीट जोन्स है। कौन से थ्री हीट जोन्स है, सब बैक टू बैक अपना पलट लेना, ठीक है। थ्री जोन्स के नाम बताइए हमको जल्दी से। हिमाद्री रेंज, हिमालय का रेंज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम। हाँ आदिति, वेरी गुड। हम थ्री हीट जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के थ्री हीट जोन्स। दे आर थ्री हीट जोन्स, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीज। वेरी गुड। Sorry.